को कहीं जाना था तो बेटी से फटाफट सुबह सुबह राखी बंधवा लिए क्योंकि इमरजेंसी में उन्हें जाना पड़ गया था आज त्यौहार के दिन भी, वरना मैं जाने नहीं देती। तो इधर बुआ की राखी मेरी बेटी बांध देती है क्योंकि बुआ गांव में रहती हैं और आ नहीं पाती हैं हमेशा हर साल, तो इधर वो हर साल राखी भिजवा देती हैं तो मेरी बेटी बांध देती है। और जो है कि अपना श्रद्धा कर हस्बैंड राखी बांधवाएंगे और निकल जाएंगे। तो आज जो है कि आज भाई लोग हो मतलब किसी भी जेंट्स जो होते हैं ना उनकी अगर हाथ कलाई खाली रहती है तो आज के दिन अच्छा नहीं लगता। तो मैं हर साल मतलब अपनी बेटी से ही उनके हिस्से की राखी बंधवा देती हूँ तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे वो आ नहीं पाती हैं और इनका हाथ खाली रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब से मैं कई सालों से अपनी बेटी से ही राखी बंधवाती हूँ और इनकी बुआ की लड़की भी रहती है तो वो भी आती हैं राखी बांधने के लिए और हम लोग भी जाते हैं, तो अब हम लोग भी दूर आ गए हैं तो इस साल वो बुआ से भी राखी नहीं बंधा पाई इनकी तो मेरी बेटी बांध दी। तो इधर राखी तो बांधी है, अब देखिए मतलब बुआ के हिस्से का माल भी अपने ही झड़प जाती है और बुआ से भी ले लेती है। तो आज का दिन तो मतलब बेटियों का है, अच्छा भी लगता है, थोड़ा शैतानी इस तरह की करती रहती हैं तो इसी से तो रौनक बनी रहती है घर में। तो हस्बैंड रेडी हो गए और वो जाने मतलब उनको जाना था तो बेटा से बोले तो बेटा गया, छोड़ दिया उनको जहाँ जाना था और हम लोग भी रेडी होकर के मम्मी घर आ गए हैं राखी बांधने के लिए भाई लोगों को। तो भतीजा से बोले थे कि मेरा मतलब थोड़ा सा शूट कर देना तो उसने सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो मेरी शूट करी है, कोई बात नहीं बच्चा है अभी। इधर मेरी मम्मी हैं, फ्रेंड्स लोग गाना गा रहे हैं कि भैया से कहना, मेरा मन होता है कि जब कहूँ चंदा से कि चंदा रे मेरी मैया से कहना बिटिया याद करे, तो आज के दिन तो बहुत याद आती है मम्मी की। ये मेरा छोटा भाई है, अभी नहाए धोए नहीं है और हम लोग आ गए हैं, चलो जाना हो जाकर के। तो मेरे पापा मेरे को घर में कहीं नहीं दिखे तो वो अगर घर में नहीं दिखे तो समझ जाइए वो अपनी बाड़ी में है। तो मैं पापा से मिलने बाड़ी में चली गई। तो फ्रेंड्स आज के दिन तो पापा का भी मन बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मेरी मम्मी जब ख़त्म हुई थी तो रक्षाबंधन से ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब वही 15 दिन के आसपास, तो उनको भी आज के दिन बहुत याद आती होगी। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं क्योंकि अकेले इस उम्र में रहना कितना मुश्किल है, आप लोग समझ सकते हैं। भगवान, इधर मेरी दीदी भी आ गई हैं तो उनका भी भतीजा लेकर के रखा था वीडियो, मैंने ऐड कर दिया। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे से बड़ी हैं और अब जो है कि हंसी मजाक भी थोड़ा चलता है। तो इधर मैं बेटी से कह रही थी कि आओ मेरे साथ रील्स बनाओ, तो मतलब वो नहीं बनाई, वीडियो में तो आती है लेकिन जो है कि पता नहीं आज उसका मतलब ये देखिए शक्ल देखिए कैसे बनाई है, मैं उसका गाल खींच दी थी क्योंकि आज वो बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने ले लिया। हेलो, मायके के किचन में आपका स्वागत है। तुम तैयार नहीं है, हम लोग तो रेडी होकर के आए हैं, अभी आप बोलोगे भी तैयार होंगे फिर राखी बनाएगा हम लोगों का, तब से थोड़ा सा पूरी वूरी तल लेते हैं, रेडी कर लेते हैं लंच, ठीक है। भाभी भी मेरी स्कूल से आ गई थी तो हम लोग अपना फटाफट राखी वाखी बांधे, बहुत देर हो गया था। तो ये मेरा भाई है, वो कह रहा है मैं मिठाई नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा डायबिटीज हो गया है भाई को, तो इसलिए मैं भी फोर्स नहीं करी। तो इधर हो गया, राखी वाखी बंधा गई है और भाई को बांध लेती हूँ, फिर भाभी को भी बांधती हूँ राखी। अच्छा लगता है भाभी को भी राखी बांधना, वो भी इसी बहाने हम लोगों का वेट करती हैं कि हाँ दीदी लोग आएंगी राखी बांधने के लिए। तो फ्रेंड त्यौहार के दिन सब कोई एक जगह इकट्ठा होता है तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग शुरू से ही मतलब हम लोग मम्मी के यहाँ ही आते आए हैं तो हम लोग ही आ जाते हैं, नहीं तो मैं तो पास में ही रहती हूँ, बुलाऊँ तो आ ही जाएंगे, लेकिन पता चला एक लोग आएंगे और पापा वहीं रह जाएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि पापा मेरे अपने जगह से हिलते ही नहीं हैं, उनका कहीं भी जाने आने का मन नहीं करता। तो हम दोनों बहनें घर में ही इकट्ठा हो जाते हैं सब कोई, तो अच्छा लगता है एक जगह इकट्ठा हो जाओ फिर त्यौहार मनाओ तो इस तरह से, तो ऐसे तो होना चाहिए साल भर में एक दो प्रोग्राम तो ऐसे हम लोगों को करना चाहिए कि जहाँ हम सारे ही लोग मतलब इकट्ठा हो जाए।
तो इधर हो गया। बड़े मेरे बड़े भैया भाभी मुझसे बड़े हैं, ये भाभी मेरे मतलब पद्मे तो मेरे से बड़ी ही हैं। तो इनको मिठाई बहुत पसंद है, तो मैंने कहा लीजिए आपको मिठाई बहुत पसंद है तो खाइए। हंसी मजाक के साथ हम लोगों की राखी बंधाई हो रही थी, मतलब थोड़ा उस तरह से माहौल बनाए रहते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आज ना मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा उनको तो पता ही होगा ये कितनी ज़्यादा याद आती है अगर मायके में जाओ तो। तो ये मेरा छोटा भाई है और वो छोटी भाभी है, तो इन लोगों को भी राखी बांध लिए हैं। तो सब बारी बारी से जिसका जैसे जैसे नंबर आता है, जो जैसे बड़ा छोटा है उस तरह से राखी भी बंधाई होती है। तो मुझे मिठाई खिला दिया, हो गई। तो ये छोटी भाभी है, छोटी भाभी को भी राखी बांधते हैं, राखी सबको बांधते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। एक यही त्यौहार है कि हाथ मतलब भाई लोग भाभी लोग आगे तो बढ़ाती हैं कम से कम, तो अच्छा लगता है। तो इधर मेरा बारी ख़त्म हो गया था, अब बारी आएगी मेरी बड़ी बहन की। तो मैं छोटा सा गिफ्ट लेकर के आई थी अपनी भाभी के लिए, दोनों भाभी के लिए। तो अब दीदी मेरी राखी बांधेगी, ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी हैं, ये भी आज ही आई हैं और राखी बांधेंगी और फिर 4-5 बजे तक निकल। मेरा कपड़ा बचा है। तो फ्रेंड्स इस बार जो है कि 2 दिन के रक्षाबंधन में ना थोड़ा सा मतलब एक दिन भद्रा लग गया, फिर एक दिन रक्षाबंधन। तो बड़ी भाभी की स्कूल की छुट्टी तो उसी दिन थी 30 तारीख को ही, और हमारे इधर में रक्षाबंधन 31 तारीख को था, और वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ 30 को था। तो इसी तरह से आज उनकी छुट्टी नहीं थी। तो फ्रेंड्स इधर मेरी बड़ी दीदी है, बड़े भाई को राखी बांधी, अब छोटे भाई की बारी है। तो छोटे भाई को बांध दी और वो भतीजो तुझो सबको राखी बांधती हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैं कितना कवर करूं एक वीडियो में। तो इधर जो है कि हो गया, उनका भी राखी बंधाई हो गया। तो अब बारी आ जाएगी, वो भी रिटर्न गिफ्ट देती हैं सबको। क्या मज़े की बात है, गिफ्ट लो और दो। तो ये मेरी बेटी आ गई, अपने भाई को राखी बांध रही है। तो मतलब मेरे मायके में तो मतलब है नहीं है, बेटी तो है नहीं है, दो भाई हैं, दोनों भाई के एक एक बेटे हैं। तो मेरी बेटी ही राखी बांधती है और पूरा दबदबा अपना कायम रखी हुई है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी देखिएगा वो सबको राखी बांधी है ना, तो अब देखिए कि कैसे अपना कसर वो लड़की निकालेगी। अब ये देख लीजिए कि इतनी मेहनत से हम सबको राखी बांधे, अब मुझे कोई नहीं बांधेगा। तो वो अपने छोटे भाई से राखी बंधवाती है, देख लीजिए, आरती भी करवाती है, टिक्का भी करवाएगी, राखी भी बंधाएगी, मिठाई भी खाएगी, और देखिए क्या क्या करती है। आप एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, एकदम लास्ट में आपको इतना मज़ा आने वाला है ना वीडियो में कि क्या ही कहें आपको। अब मुझे तो मतलब बताने में हंसी आ रही है। अब आप मतलब आप देखिए, अब मैं वॉइस ओवर बंद कर देती हूँ, अब आप देखिएगा। देख लो इधर तनीसा, तुम हम लोग बेवकूफ हैं जो फोटो खींचे पड़े हैं, वीडियो बनाए पड़े हैं, गधा है इनका। बस करो इधर देखो, ये मेरे को दिखाया ही नहीं किया भैया को राखी। तो फ्रेंड्स उसका भाई राखी खिलाता है ना, तो वो बहुत तेज़ी से दांते काट लेती है और वो उछल पड़ता है। तो बस यही था हंसी मजाक के साथ, हमारा रक्षाबंधन तो बहुत अच्छे से निकल गया। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सबका भी रक्षाबंधन इसी तरह से हंसते खेलते बीत गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट